नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 5 जनवरी। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग ने निकाली बंपर रिक्तियां। बिहार नगर विकास एवं आवास में नौकरी की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग ने जूनियर इंजीनियर पद के लिए कुल 463 पदों के लिए रिक्तियां निकाली है, जिसके लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों के असैनिक यांत्रिक और विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 8 जनवरी तक बिहार नगर एवं विकास विभाग में भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। नेशनल हाईवे के बगल में खुलेगा सुधा का स्टॉल। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अब बिहार से गुजरने वाली एनएच के किनारे अब सुधा का स्टॉल खोलने का निर्णय पर सोच विचार कर रही है, जिसका ऐलान बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने करते हुए कहा है कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे समेत अन्य सड़कों पर जल्द ही सुधा के स्टॉल्स को खोला जाएगा, जहां पर सुधा के तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद रहेंगे। खबरों की माने तो सरकार का यह फैसला यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के साथ साथ अपने ब्रांड सुधा को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का भी है। बिहार में जल्द ही शिक्षकों की होगी बंपर बहाली। शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार के सरकारी स्कूलों में आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर बंपर बहालियां होने वाली है। खबरों के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो सूबे के सभी सरकारी स्कूलों में जल्द ही 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शिक्षा विभाग कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा के लिए मार्च महीने तक सभी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया का काम पूरा कर लेगी। अगले हफ्ते से ठंड के असर में होगी बढ़ोतरी। अभी आने वाले 1-2 हफ्तों तक ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा हमारा नहीं मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी कि 4 जनवरी को कई जगहों पर बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया था। उसी क्रम में सुबह से कई जगहों पर बादल के आसार भी साफ देखने को मिल रहे थे, जिससे कि आने वाले 1 हफ्ते में ठंड के असर में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। उसके साथ ही कोहरे का असर भी बढ़ेगा। नए साल में ट्रेन शिक्षकों को मिलेगा लाभ, वहीं अनट्रेंड शिक्षकों की जाएगी नौकरी। नए साल में सभी ट्रेन शिक्षकों को उनका तोहफा मिलने जा रहा है। यह वाक्य बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां पर नए साल में वहां के सभी ट्रेन शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलने वाला है। वहीं अनट्रेंड शिक्षकों को उनके पद से छुटकारा मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने यह फैसला उन सभी शिक्षकों को बाहर करने का है जो कि प्रशिक्षण की डिग्री के बिना ही छात्रों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिनकी वर्तमान में संख्या 3 से 4 हजार है। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन होगा 13 जनवरी को। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र इस महीने की 13 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जो कि सिर्फ एक दिन की अवधि का ही होगा। खबरों की माने तो इस विशेष सत्र के दौरान राज्य के अंदर संसदीय और विधानसभा की आरक्षित सीटों के निर्धारण को लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य के अंदर एससी एसटी के लिए आरक्षित संसदीय और विधानसभा की सीटों का निर्धारण 10 साल के लिए किया जाता है। कार्यकाल पूरा होने के बाद विधानसभा में एक बार फिर से इसका प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कोहरे का असर दिख रहा है विमान के लैंडिंग के समय पर। बढ़ती ठंड का असर आम जनजीवन के दिनचर्या पर तो दिख ही रहा है, रेलवे और विमान भी ठंड के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं। विमानों की बात करें तो घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण किसी भी विमान की लैंडिंग के समय में बड़ा फेरबदल हो गया है। यह अब कोई भी विमान सुबह 10 बजे से पहले एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाएंगे 10,000। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों के इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोजेक्ट प्रोग्राम स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी छात्रों को प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए 10,000 की प्रोत्साहन राशि भी मुहैया करवाने का ऐलान किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने यह कदम विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद द्वारा दिशा निर्देश जारी करने के बाद लिया है। जापानी कलाकार पहली बार बौद्ध महोत्सव का बनेंगे हिस्सा। 29 से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले बौद्ध महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जहां पर बोधगया पधारे सभी बौद्ध श्रद्धालुओं को भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 10 विभिन्न देशों के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति पेश करने के लिए बोधगया पहुंचने वाले हैं, जिनमें जापान, भूटान, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस का नाम शामिल है। राजा पोखर को तीसरे पर्यटक स्थल के रूप में किया जा रहा है विकसित। जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही अररिया जिले के राजा पोखर का भ्रमण करेंगे, जहां वो इस पोखर को जिले के तीसरे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को ध्यान में रखते हुए अररिया प्रखंड के हयातपुर पंचायत स्थित राजा पोखर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के मद्देनजर लघु सिंचाई विभाग सहित अलग अलग विभागों को सजाने का काम किया जा रहा है।
फोर्ब्स के ऑनलाइन कंपटीशन में बिहार के सुमंत परिमल बने टॉपर। इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता कि बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसी को एक बार फिर से साबित किया है बिहार के सुमंत ने। सुमंत परिमल ने करीब 2 महीने तक चली ऑनलाइन प्रतियोगिता में अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के विख्यात आईटी और एआई विशेषज्ञों को पीछे छोड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पटना के राजा बाजार के रहने वाले सुमंत ने इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में सबसे शीर्ष रेटिंग प्राप्त की है। यूपीएससी ने इस साल आयोजित होने वाली परीक्षाओं का डेटशीट किया जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत अब इस परीक्षा का नोटिफिकेशन 12 फरवरी को जारी किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी का आवेदन 3 मार्च तक स्वीकार किया जाएगा, जबकि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को होगी। वहीं मेंस का आयोजन 18 सितंबर को किया जाएगा। बाकी जानकारियों के लिए बीपीएससी से छात्रों को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर कैलेंडर डाउनलोड कर तमाम जानकारियां हासिल करनी होगी। औरंगाबाद के श्री दुग्धेश्वर महादेव मंदिर देवकुंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बाबा दुग्धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर कुंड से कुछ दूरी पर सहस्रधारी के किनारे है, जहां पहले भगवान श्री राम और बाद में चैवन ऋषि ने पूजा अर्चना की थी। कहा जाता है कि देवकुंड वह धरती है जहां भगवान श्री राम गया में अपने पितरों को पिंडदान करने से पूर्व ही भगवान शिव की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। बाद में महर्षि चैवन ने उसी स्थल को अपनी तपोभूमि बनाया और वर्षों तपस्या की। बिहार के 12 जिलों में होगी सेना भर्ती की परीक्षा। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। अगर आप भी सरकारी नौकरी के साथ साथ देश की सेवा करना चाहते हैं तो भारतीय सेना आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है, जिसके तहत सेना भर्ती के लिए 4 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक बिहार के अलग अलग जिलों में सेना भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए अब तक कुल मिलाकर 50,190 अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा है। रिक्रूटमेंट अधिकारी SH जग्गी के अनुसार भर्ती की यह प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। STET परीक्षा के लिए दिशा निर्देश हुए जारी। आगामी 28 जनवरी को काफी बदलाव के बाद आखिरकार STET की परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसके तहत बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के लिए सभी केंद्रों को जरूरी दिशा निर्देश की सूची पहुंचा दी है, जिसमें बोर्ड ने यह साफ कहा है कि परीक्षा के सभी केंद्रों में CCTV कैमरा का लगा होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक बेंच पर केवल 2 ही परीक्षार्थियों के बैठने की अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं, परीक्षा के दौरान एक कमरे में 4 ऑब्जर्वर का रहना अनिवार्य किया गया है। राजद ने गढ़ा अपना नया नारा। भले ही ठंड का असर पूरे बिहार में दिख रहा हो, मगर राजनेताओं और राजनीतिक गलियारे अक्सर बयानबाजी की लहर से गर्म ही रहते हैं। इस चुनावी साल में पहले राजद और जदयू के बीच पोस्टर का खेल शुरू हो गया है। वहीं अब राजद ने नीतीश सरकार के खिलाफ नया नारा गढ़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा है 2020 हटाओ नीतीश। किसान बनने की इच्छा रखने वालों के लिए शुरू हुआ 42 दिन का कोर्स। अक्सर हमने कई तरह के शॉर्ट ड्यूरेशन वाले कोर्सेज के बारे में सुना होगा, जो आए दिन तमाम कॉलेज इंस्टीट्यूट शुरू करते रहते हैं। इसी क्रम में खेती सीखने के लिए भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स का आह्वान किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने हाल ही में 42 दिन का ऐसा कोर्स शुरू किया है, जिसमें छात्रों को खेती की बारीकियों के बारे में समझाया जाएगा। साथ ही साथ कम खर्च में व्यावसायिकता खेती के गुण को भी सिखाया जाएगा इसके साथ ही इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। कांग्रेस बिहार चुनाव में दोहराएगी झारखंड की रणनीति। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास जाग गया है। जनता द्वारा नकारे जाने के बाद से कांग्रेस लंबे समय से बैकफुट पर चलती आ रही थी, मगर झारखंड के जनादेश को देखते हुए वह विधानसभा चुनाव के रणनीति को समझ चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस बिहार में भी वही रणनीति अपनाने वाली है, जिसके तहत अब बिहार में भी कांग्रेस गठबंधन की राजनीति पर जोर देगी और गठबंधन स्तर पर राजद के साथ बेहतर सांठगांठ बनाएगी। खबरों की माने तो कांग्रेस यह समझ चुकी है कि झारखंड में मिली जीत का बहुत बड़ा कारण गठबंधन में शामिल दलों द्वारा अपने मतदाताओं को सहयोगी दलों में वोट को शिफ्ट करवाना था। दलाई लामा के प्रवचन के तीसरे दिन देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। बोधगया की धरती पर पिछले 3 दिनों से धर्मगुरु दलाई लामा के प्रवचन का सिलसिला जारी है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए देश विदेश से लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। वहीं बौद्ध समाज के धर्मगुरु दलाई लामा बोधगया पहुंचे, हजारों श्रद्धालुओं को शांति और समृद्धि का संदेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, दलाई लामा ने अपने प्रवचन के शुभारंभ से पहले विशेष पूजा अर्चना भी की थी। केरल के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार को भेजा पत्र। CAA और NRC का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना आम जनता सरकार की इस नीति को समझ पा रही है और ना ही सरकार जनता के असमंजस को साफ कर पा रही है। इसी को देखते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर केंद्र सरकार को दिए गए समर्थन को वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बतौर मुख्यमंत्री आप सेक्युलरिज्म और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए, ये समय की मांग है। लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग एक साथ इसके खिलाफ खड़े हों।
तेजस्वी की बिहार यात्रा पर जदयू ने कसा तंज। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बिहार दौरे का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही CAA और NRC को लेकर जनता के बीच जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, जिस पर अब जदयू के मंत्री श्याम रजक ने तेजस्वी को इस यात्रा पर तंज कसा है और कहा है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी को जनता के बीच जरूर जाना चाहिए था, मगर उन्होंने जाने में देर कर दी है। अपनी बाकी यात्राओं की तरह ही इस यात्रा में भी वो बीच में ही लौट आएंगे या नहीं, ये कौन जानता है। आज होगा भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों के सीरीज का पहला T20 आज गुवाहाटी में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अब तक भारत और श्रीलंका के बीच 16 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 11 जबकि श्रीलंका ने मात्र 5 मैच ही जीते हैं। रिकॉर्डों के आधार पर इस मैच में भी भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है। हालांकि आपको बता दें, रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है, इससे दोनों ही T20 सीरीज से बाहर है। लंबे समय बाद जसप्रीत बुमराह टीम में वापसी कर रहे हैं। भारत की संभावित प्लेइंग 11 है, विराट कोहली, शिखर धवन, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर और शिवम दुबे। आइए बढ़ते हैं मौसम के खबरों की ओर। बिहार में लगातार ठंड का असर बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, अरवल, सारण, दरभंगा, गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा में हल्की धूप के साथ ही मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, तो कहीं कहीं बादलों के कारण बारिश होने की भी संभावना है। तो वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, जमुई, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे, तो वहीं कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। इस कड़ाके की ठंड में फिलहाल लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना रही है या नहीं। सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,243 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,832 रुपए था, यानी कि सोना पिछले दिन के मुकाबले कल ज्यादा गर्म रहा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 45,601 रुपए था, यानी कि साफ तौर पर चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.13 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 73.15 रुपए प्रति लीटर था। इस बार बिग बॉस के घर से बेघर होगी शेफाली बग्गा। बिग बॉस सीजन 13 इस बार काफी सुर्खियां बटोर रहा है, यहां तक कि इस बार TRP को देखते हुए बिग बॉस के मेकर्स ने इस शो को 5 हफ्तों के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया है। शो के फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हर हफ्ते के एलिमिनेशन में इस बार शेफाली बग्गा बाहर जाएंगी। खबरों की माने तो घर में दोबारा इंटर हुई शेफाली का सफर अब बिग बॉस में खत्म होने को है और इस हफ्ते उन्हें सलमान खान घर से बेघर कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, और आज का सवाल इस प्रकार है। आज भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच में किसकी जीत होगी, इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।